Hey guys, myself Rohan from IIT Hyderabad. I am the founder of A1 Academy. Guys, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है करेक्शन विंडो रिगार्डेड. कब आप सभी का करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है, किस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करना है अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब गाइज, आप सभी को इस बार कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो. क्या आप मोबाइल नंबर, क्या आप कैंडिडेट नेम, उसके साथ ईमेल, उसके साथ आपके मदर फादर का नेम, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर ओवरऑल आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, क्या कुछ आप चेंजेस कर सकते हो. सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है. और करेक्शन विंडो रिगार्डेड आपने यह वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपका फुल एंड फाइनली 100% हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है. और आप सभी को पता है आपके रोहन भैया आपको जेई मेंस के रिजल्ट, उसके बाद जेई एडवांस के रिजल्ट और जोसा काउंसलिंग के बाद ओवरऑल आईआईटी मिलने तक सपोर्ट करने वाले हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड आप सभी को गर्ल्स एंड बॉयज जो भी जेई मेंस 2025-26 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, हर एक को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स. सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी का इस बार जो करेक्शन विंडो है ओपन होने वाला है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है. और लास्ट ईयर ऑफिशियली ओपन हुआ था 6 दिसंबर to 8 दिसंबर, और हर साल 2 दिन के लिए ही आप सभी का जो करेक्शन विंडो है ओपन होता है. सो प्रीवियस टाइम 6 to 8 दिसंबर ये ओपन किया गया था. और कुछ फीस भी होती है जो आपको ओवरऑल यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, बट ज़्यादा फीस नहीं होती है, डोंट वरी. अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप सभी को ओवरऑल क्या कुछ चेंजेस करने को मिल जाएंगे. तो कैंडिडेट शॉल नॉट बी अलाउड टू चेंज, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो कि है. देखिए क्या कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा. एक तो है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस आपने डाला है वो, उसके बाद है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा, उसके बाद सेशन जो है सेशन वन, इस बार तो एक ही ऑप्शन आ रहा है जो सेशन वन का है, उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, फोटोग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा. गाइज देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने दिक्कत ओवरऑल कर दी है, माइनर मिस्टेक की है कि फोटो का जो बैकग्राउंड था ओवरऑल लिखा था ऑफिशियली ब्राउचर, मैंने आपको पूरा समझाया था, व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ भी डाल रखा था, उसमें क्लियरली मेंशन है गाइस कि आपको जो आपका फोटोग्राफ है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए, ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट माइनर मिस्टेक की होगी, बट डोंट वरी गाइस, इससे तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना. सो डोंट वरी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है. अब देखिए यहां पर बात करेंगे, कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड. अब देखिए आप तो एक तो कैंडिडेट नेम में बदल कर सकते हो, दूसरा एक तो फादर नेम, और तीसरा एक तो मदर नेम, मदर फादर एंड यूअर नेम. तो तीन में से आप एक में बदल कर सकते हो. आप देखिए अगर आपने मिस्टेक किया है तो आप तीन में से एक ही ओवरऑल मिस्टेक आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो. अब देखिए उसके बाद है कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड. अभी इसमें आप चेंज कर सकते हो, क्लास 10th एंड 12th आपने कुछ भी डिटेल फिल की होंगी, ठीक है. सो आपने नाम डाला होगा स्कूल का, या फिर कोई भी आपने ओवरऑल जो भी आपको क्लास 10th एंड 12th का इन्फॉर्मेशन मांगा है, हर एक में आप चेंज कर सकते हो. अब बात कर लेंगे उसके बाद, कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जामिनेशन सिटी जो सिलेक्शन किया है आपने, मान लो मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है. सो मैंने महाराष्ट्र में डाल दिया पुणे, अमरावती, अकोला, ठीक है. उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, अदर स्टेट भी चेंज कर सकते हो, या फिर आपने जो है पुणे छोड़ के मुंबई कर दिया और मुंबई के बाद आपने ओवरऑल जो है संभाजीनगर या फिर कुछ भी डाल दिया, सो कोई दिक्कत नहीं है. तो आप जो है एग्जामिनेशन सिटी में चेंजेस कर सकते हो. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें भी आप चेंज कर सकते हो. सो ये तो नहीं होगा हर एक ने इंग्लिश सिलेक्ट किया होगा, बहुत चुनिंदे लोग होंगे जो अलग यानी कि लैंग्वेज में दे रहे होंगे, डोंट वरी. अब देखिए उसके बाद कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड. अब देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सिग्नेचर, ठीक है. अभी तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया, यह वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम क्लियर होने वाला है गाइस. और मैंने कहा है ये वीडियो विदाउट स्किप करके देखिए तो आपका हर एक डाउट क्लियर होगा. और डोंट वरी, मैं इस ओवरऑल कुछ आपके साथ फेंक नहीं रहा हूँ कि मैं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल है. मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ 2024 के लिए ओवरऑल क्या कुछ चेंजेस किए थे स्टूडेंट ने, क्या कुछ करेक्शन विंडोज में चेंजेस हुए थे, वो ऑफिशियल डाटा मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. सो कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज इन ऑल द फील्ड, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सिग्नेचर. उसके बाद है कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू ऐड द फील्ड, और पेपर का जो कुछ फील्ड है वो ओवरऑल ऐड कर सकते हो. सो देखिए इतना सारा है जिसमें आप ओवरऑल करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन नहीं कर सकते हो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया. फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. और इतना ही नहीं गाइज, रिजल्ट के बाद ओवरऑल एडमिशन तक सपोर्ट रहेगा, साथ में कुछ माइनर मिस्टेक आपने की है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा. और इसी तरह के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है. तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.